हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड कंपनी के मार्केट में क्वार्टर 3 रिजल्ट्स आ गए हैं। तो उस रिजल्ट्स को देख के हमको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप इस शेयर को पहले से होल्ड करते हो तो आपके लिए एक अच्छी बात है या नहीं, आपको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके और उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड जो भी कोई भी कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट होगा तो वो भी आपके सामने हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी कोई कंपनी रिलेटेड तो वो भी हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्विटास होल्डिंग जो लिमिटेड जो कंपनी है उसका काम क्या है। तो वो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन जो भी होता है। व्हीकल अगर आप खरीदते हो तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस नीड होता है, जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो भी लोन सेंक्शन करता है, लोन प्रोवाइड करता है, वो ये काम ये कंपनी करती है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 200% बढ़कर हो चुका है, 236 करोड़ रुपीज ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 200% जो नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है वो बहुत ही बड़ी बात है। और इसका जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 54% बढ़कर हो चुकी है 1153 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी ने अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, दैट इज़ 2 रुपीज़ पर शेयर का वो डिविडेंड भी कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देने वाली है। तो इसके रिजल्ट्स को देख के तो मुझे लग रहा है कि कंपनी के रिजल्ट्स मार्केट में बहुत ही अच्छा आए हैं। बट अब हम देखते हैं कि कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में सेक्टर के मुकाबले किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो सेक्टर का अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वो है 29.65 और इस शेयर का पी रेशियो है 13.94, जो कि आपको सेक्टर के मुकाबले आधे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से आपको मिल रहा है। दैट इज सेक्टर के मुकाबले शेयर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन कंपैरिजन विद द पी रेशियो। सेक्टर अगर हम पी वी देखेंगे तो वो है 2.58 के रेशियो फॉर्म में और इस शेयर का पीबी रेशियो है 0.98, जो कि आपको बताता है कि अभी भी यह शेयर का जो प्राइस है करंटली मार्केट में वो आपको सेक्टर के मुकाबले नहीं बल्कि सेक्टर के पीबी से भी कम और कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे भी आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। हालांकि इसमें डिविडेंड डील अभी इसमें देखने को नहीं मिला है, बट कंपनी ने अभी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उस हिसाब से इसके अंदर भी यह अपडेट जल्द हो जाएगा। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.57%। ऑल्दो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2853 करोड़ रुपीज और स्टॉक रैंकिंग है 517। सो अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं 2017 से लेकर 20 तक, तो आपको हर साल जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि आपको बताता है कि कंपनी का बिजनेस हर साल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर साल के अंदर जाके कंपनी का जो बिजनेस है रेवेन्यू है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के हम रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर करें 1920 के हिसाब से, 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 2.35 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, जो कि 20 में इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको डाउनफॉल नहीं बल्कि एक अच्छा सा अपट्रेंड देखने को मिला और हो चुका था 2.93 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। 19 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 0.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, जो कि 20 में और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 0.2 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। तो अब हम देख लेंगे करंटली मार्केट में और शेयर कितने पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको कौन से प्राइस लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है वो क्लोजिंग दी इसने 83.5 रुपीज़ पे और अगर हम इसका 5 ईयर हाई भी देखेंगे तो वो है 206.25 रुपीज़। अगर हम वो पर्टिकुलर प्राइस के हिसाब से बात करें तो अभी भी आपको ये शेयर ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल मिल रहा है, बुक वैल्यू से भी कम मिल रहा है और आपको एक अच्छा खासा इस कंपनी में ग्रोथ भी आपको हर साल देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस बार वो 200% बढ़ा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है कोई भी फाइनेंस प्रोवाइड वाली जो फाइनेंस प्रोवाइड करता हूँ जैसी कंपनियों के लिए। तो मुझे इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा और मेरे हिसाब से तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बाइंग स्टार्ट करते हो इसमें तो एक आपको अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल सकता है इन नियर फ्यूचर। सो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं।
सो होप करता हूँ कि आपको इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड कंपनी के जो Q3 रिजल्ट्स आए हैं वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उसका रिप्लाई आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।